एंड सर फैटी लीवर डिजीज जो है वो सिर्फ अडल्ट्स को अफेक्ट करती है? नहीं, सो ये पीडियाट्रिक्स में भी करती है, इनफैक्ट पीडियाट्रिक्स में आजकल ज़्यादा कर रही है, नॉट इन कम्पेयर टू एडल्ट, बट बिकॉज अगेन फॉल्टी लाइफ स्टाइल, हमारा खाना पीना काफ़ी जंक हो गया, एक्सरसाइज नहीं होते, तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे भी काफ़ी ओबेज होते हैं, डायबिटिक होते हैं, एंड फैटी लीवर उनके साथ एसोसिएटेड भी होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज विदुषी एंड यू आर वाचिंग द गुड हेल्थ शो। आज हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। इसको लेकर बहुत से मिथ्स हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती हूँ, और इसलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रिंकेश। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो, हेलो एवरीवन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, द गुड हेल्थ शो में। आज हम फैटी लीवर को लेकर बातें करने वाले हैं, तो सर सबसे पहले कुछ मिथ्स हैं, पहले हम वो बस करना चाहेंगे आपके साथ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं एंड देन कुछ दो तीन क्वेश्चन हैं आपके बारे में थोड़ा जानने के लिए। तो सर स्टार्टिंग फ्रॉम मिथ्स, सर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, मिथ आता है कि जो हैवी ड्रिंकर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उन्हीं को फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। सो इट्स अ मिथ और इट्स नो? सो हैवी ड्रिंकर्स वन ऑफ रीजन है फैटी लीवर होने के, लेकिन आजकल ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, जिनका जंक फूड जो ज़्यादा लेते हैं, या जिनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स है, सो ये भी एक इंडिपेंडेंट कॉज है फैटी लीवर के, एंड दीज आर मोर कॉमन देन अल्कोहल्स। सो दिस इज नॉट ए फैक्ट। ओके, दिस इज नॉट अ मिथ। सर एक और मिथ सामने आता है कि इट्स नॉट अ सीरियस हेल्थ कंडीशन फैटी लीवर। सो इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बेसिकली ये ग्रे जोन है फैटी लीवर। हम देखते हैं कि हमने अगर मान लो 100 लोगों के अल्ट्रासाउंड देखे, उसमें 90 लोगों के आते हैं कि फैटी लीवर है, लेकिन फैटी लीवर अकेला वर्ड सफिशिएंट नहीं है। फैटी लीवर की ग्रेड, फैटी लीवर का कॉज, फैटी लीवर के कारण अगर हमारे लीवर एंजाइम गड़बड़ हो रहे हैं, और फैटी लीवर की कई बार स्टेजिंग करना भी ज़रूरी हो जाता है, जिसमें हमारे लीवर में फाइब्रोसिस है या नहीं है, सिरोसिस है नहीं है। सो इट इज़ जस्ट लाइक कि किसी को फीवर है तो फीवर का कॉज जानना जरूरी है ना। फीवर पैरासीटामोल से भी उतर सकता है, लेकिन कई बार कॉज को ट्रीट करना जरूरी हो जाता है। ऐसे ही कई बार जब फैटी लीवर होता है तो क्या सिंपल फैटी लीवर है जो हमारा सिर्फ डाइट लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगा, और उसकी स्टेजिंग करना जरूरी है। सो इसी तरह से हमें फैटी लीवर को मैनेज करना चाहिए। एंड सर फैटी लीवर डिजीज जो है वो सिर्फ अडल्ट्स को अफेक्ट करती है? नहीं, सो ये पीडियाट्रिक्स में भी करती है, इनफैक्ट पीडियाट्रिक्स में आजकल ज़्यादा कर रही है, नॉट इन कम्पेयर टू एडल्ट, बट बिकॉज अगेन फॉल्टी लाइफ स्टाइल, हमारा खाना पीना काफ़ी जंक हो गया, एक्सरसाइज नहीं होते, तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे भी काफ़ी ओबेज होते हैं, डायबिटिक होते हैं, एंड फैटी लीवर उनके साथ एसोसिएटेड भी होता है। ओके, एंड सर आपको फैटी लीवर डिजीज़ नहीं हो सकती है अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है? नो, सो फैटी लीवर एक एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ है। पहली बात तो कि फैटी लीवर का हमें पता ही कई बार इन्वेस्टिगेशन से चलता है, सिम्टम्स जब आते हैं जब तक काफ़ी देर हो जाती है, तो इसीलिए फैटी लीवर के लिए हमें अपनी डाइट लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एंड रूटीन फॉलोअप करें। अगर हमें फैटी लीवर डिटेक्ट होता है तो हम आगे वर्कअप करें ताकि हमें पता चले कि हम किस स्टेज पे हैं। एग्जैक्टली सर। सर ये कुछ मिथ्स थे जो हम बस्ट करना चाहते थे। अगर क्वेश्चंस की बात करें सर, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि फैटी लीवर डिजीज़ ही है क्या, और क्या रीज़न रहते हैं इसको होने के? सो मैम, फैटी लीवर, सबसे पहले चीज़ फैटी लीवर क्या है कि जैसे कोई पेशेंट गया, उसने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में उसने लिखाया कि ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ग्रेड 2 फैटी लीवर है, तो यहाँ से शुरुआत होती है कि फैटी लीवर है। अब फैटी लीवर क्यों है, उसके लिए कि पेशेंट अल्कोहल तो नहीं लेता, पेशेंट कोई ऐसी दवाइयाँ तो नहीं खा रहा जिनके कारण फैटी लीवर हो जाए, या पेशेंट ओबेस तो नहीं है, या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन लाइक कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए तो नहीं है। सो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनरली फैटी लीवर करती हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमें ये देखना होता है कि अगर इनमें के कोई कॉज है तो हम उस कॉज को ट्रीट करें, उस कॉज को अवॉइड करें, ताकि हमारी चीज़ें रिवर्स हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमें पता चला कि हाँ हमारा फैटी लीवर, फिर हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि लीवर फंक्शन टेस्ट कैसे हैं, अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है देन फिर हम देखते हैं कि आगे फाइब्रोस्कैन करके देखते हैं कि लीवर में कोई खराबी तो नहीं आ गई, कोई फाइब्रोसिस तो डेवलप नहीं होगी जो कि आगे लीवर को परमानेंट खराब ना कर दे, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि सिर्फ अडल्ट्स को होता है, ये आपने बताया कि ये किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है। तो फैटी लीवर के लिए बेसिकली अगर इवन चिल्ड्रंस में भी, चूँकि आजकल ओबेसिटी काफ़ी होने लग गई है, डाइट काफ़ी फॉल्टी है, तो उनमें भी काफ़ी होने के चांसेज रहते हैं। ओके सर, इस टाइम पर देखा जाता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं उनकी टेस्ट रिपोर्ट में फैटी लीवर आता ही आता है, तो ये कितना अलार्मिंग है और कौन सी स्टेज पर ये अलार्मिंग हो जाता है?
सो अगर हमारी कोई भी कॉमॉर्बिड कंडीशन है, लाइक अगर हम डायबिटिक हैं, हम अगर हमें डिसलिपिडीमिया है, हम एल्कोहल ले रहे हैं, देन हमें बेटर है उसको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उसमें फैटी लीवर अपने आप ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर हमारा फैटी लीवर के साथ लीवर अफेक्ट होने लग गया, फाइब्रोसिस डेवलप होने लग गए, सिरोसिस डेवलप होने लग गया, देन इट्स अलार्मिंग, क्योंकि फिर हमारे लिए एक रिवर्सिबल कंडीशन है। सो हमें कॉज एंड स्टेजिंग, ये दो चीज़ें फैटी लीवर से एसोसिएशन जो इस चीज़ को डिसाइड करती है। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो क्या क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं? सो एज आई सेड अर्लियर, सिम्टम्स इन प्योर फैटी लीवर आर एसिम्टोमेटिक। बेसिकली सिम्टम्स डेवलप्स व्हेन डिजीज एडवांसेस। सो पर से फैटी लीवर एक डल एकिंग पेन कर सकता है हमारे राइट अपर एब्डोमेन में, अगर वो थोड़ा प्रोग्रेस करता है हमें जॉन्डिस कर सकता है, एंड अगर लिवर सिरोसिस डेवलप होता है देन फिर पेट में पानी आना, पैरों में सूजन होना, ब्लीडिंग होना, इस तरह के सिम्टम कर सकता है। जनरली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम लाइक भूख कम लगना, नौजिया होना, सो ये सिम्टम्स हैं जो इनिशियल स्टेज में आते हैं। ओके, एंड सर फैटी लीवर डिजीज जो है वो रिवर्स हो सकती है?